पास के का जिसम वाला, क्योंकि ब्रिज के नीचे वाला है वो अभी होना बाकी है, क्योंकि नीचे जो है अभी अंडर पास की कोई खुदाई नहीं हुई, सुरंग बनी नहीं है। जब अंडर पास बन जाएगा तो ब्रिज के नीचे बनेगी चौरंगी और नीचे से अंडर पास जाएगा दिसंबर की तरह, और फिर आगे हम जाएंगे मूसा कॉलोनी की तरफ, वो तीसरा मरहला है और वहाँ भी खुदाई होना बाकी है, अभी खुदाई हुई नहीं है। हाँ, अलबत्ता वहाँ जो तीसरा मरहला है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम डलना शुरू हो गया है, और जो नाला है बीच में मूसा कॉलोनी के पास उसका मुतबादल उन्होंने मैग्नेट के पीछे बड़ी लाइनें डाल के गटर की वो मुतबादल बना दिया, और जैसे ही काम शुरू होगा और नाले का और जो ड्रेनेज सिस्टम का मामला होगा वो ऑलरेडी बना दिया है मेयर काशी साहब ने, मुर्तजा वहाब साहब ने। तो ये तीन मरहले की आपको मैं अपडेट लेके आया हूँ, साथ साथ आपको बताऊँगा मैं कि तीन मरहले के साथ साथ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से जो जाना चाह रहे हैं नाजमाबाद वो इजली इस अंडर पास के थ्रू जा सकते हैं। सामने बना हुआ है मेरे करीमाबाद के अंडर पास जो कि मैं अपडेट लेके आया हूँ। वो लोग जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से जाना चाहते हैं नाजमाबाद, ब्लॉक जे, ब्लॉक एल, ब्लॉक एम, ब्लॉक एफ, के डी चौरंगी, औरंगी टाउन और बोर्ड ऑफिस, वो ईज़िली इस अंडर पास को तैयार करेंगे और वो पहुंच जाएंगे हुसैनाबाद से अपने रास्तों पे, जो कि बफर जोन का हो चाहे नाजमाबाद का हो। और जिसको जाना होगा आयशा मंजिल, वाटर पम्प या इलाकेबाद, वो अंडर पास को यूज़ नहीं करेगा, वो अंडर पास के बराबर वाले रास्ते से आएगा जिसके हिसाब से आप देख रहे हैं, और यहाँ से आके वो ब्रिज के पास आएगा और चौरंगी से वो लेफ्ट पे जाएगा, फिर इलाकेबाद जाएगा और जो ब्रिज की सीधा पे जाएगा तो आयशा मंजिल, वाटर पम्प और बहरिया टाउन आ जाएगा। और इसी तरह जो है अगर इस सामने पर वाला जो इससे दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो भी बंदा ऊपर से आएगा वो यूटर्न यहाँ से लेगा जब अंडरपास बनेगा, और यूटर्न लेके वापसी वो यूनाइटेड किंग की तरफ जाएगा। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि अंडरपास जब बन रहा होगा तो अंदर जो है वो पत्थर नहीं डाले जाएंगे जौर की तरह, अलबत्ता रूट डाला जाएगा, और जो UBL बैंक बना हुआ है यहाँ से लेकर और इस एरिया तक जो है रूट डाला हुआ होगा, जिसको सामने जाना होगा वो इस रूट के थ्रू यूटर्न लेके सामने जा सकेगा। अदरवाइज़ जो है पेडिस्ट्रियन ब्रिज फ़िलहाल मैप पे मौजूद नहीं है, इसको आना होगा वो यूटर्न लेके सामने जाएगा, और फ़िलहाल जो है खुदाई जो है यहाँ तक होगी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके बाद अंडरग्राउंड जो है पूरी खुदाई होगी और वो सामने रोड पे निकलेगी मीना बाज़ार से होते हुए, ब्रिज से होते हुए हबीब मेडिकल सेंटर मूसा कॉलोनी की तरफ। और ये अपडेट है कराची की करीमाबाद की जो कि मैं लेके आया हूँ। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कराची की करीमाबाद की अपडेट में कि काम जो है आज से 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, रमज़ान के पहले अशरे में बहुत तेज़ काम हो रहा था, उसके बाद जो है ये काम स्लो हो गया था और ईद के बाद ना होने के बराबर था। अभी काम दोबारा से स्टार्ट हुआ है 26 अप्रैल से, मगर अभी भी जो है वो जो नोयत होती है फास्ट वाली वो नहीं है। बाकी कचरे के अगर बात करूँ तो कचरा यहाँ से उठाने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो काम है वो कर रहे हैं, मगर वो इस तरफ काम कम कर रहे हैं, यहाँ कचरा उठाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। आगे है, आगे UBL का मामला है और आगे जो है जहाँ सर्विस की शॉप है वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो इस तरफ कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मेन रोड से कचरा है वो उठाया जा रहा है, यहाँ से कचरा उठाया जा नहीं रहा, जो कि एक अकाउंटेबिलिटी होने वाले मामला थे लोगों के। बाकी मेयर काशी काम कर रहे हैं और इसको इनको हम जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, मेयर काशी को या वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को, मगर यहाँ ये यह है कि ग्राउंड पे आपको वापसी आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गंदगी कहाँ है। स्ट्रेट जाएंगे सीधा भी पड़ेगा अस्करी बैंक, जहाँ ब्रिज बंद अंडरपास बना हुआ है ना उसके सामने अस्करी बैंक, अस्करी बैंक से भूंगे कंफर्म करिए, होटल बना हुआ है वहाँ, होटल ही साथ ही अस्करी बैंक। हमारे इन ड्राइव के भाई थे, उनको हमने थोड़ा रास्ता गाइड किया। यहाँ बाइक्स वाले जो है वो बड़े परेशान हैं, गाड़ी वाले तो और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो मुतबादल रास्ता है वो बहुत ही बेतुका दिया हुआ है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने दुपट्टा गली, शाम के टाइम पे यहाँ चलने की जगह नहीं होती, तो जो बाइक वाले हैं वो बेचारे घूम के आ रहे होते हैं शिकल कॉरपोरेशन के पास से, और गाड़ी वाले जो है वो और घूम के आते हैं ब्रिज के नीचे से फाटक से होते हुए। तो ये अपडेट में लेके आया हूँ कराची की बात की, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ।